आज हम व्रत के लिए साबुदाना नगेट्स बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है और टेस्टी भी बहुत लगती है। इसे हम दो तरीके से बनाने वाले हैं, डीप फ्राई करके और शैलो फ्राई करके तवे पर बनाने वाले हैं। नगेट्स जो हम बनाने वाले हैं वो ना ही फटते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा तेल सोखते हैं, तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप घर में जरूर ट्राई करें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना भंडेकर, भंडेकर किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं उन सभी अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। और चलिए फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसमें मैंने एक कटोरी साबुदाना ले लिया है और इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। एक पानी से वॉश कर ले अच्छे से और इस पानी को हम अभी फेंक देंगे। और इसमें थोड़ा सा आधा कटोरी के पास पास हम पानी ऐड करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है, नहीं तो साबुदाना जो है वो गीला हो जाता है। हमें अच्छा खुला खुला साबुदाना चाहिए। तो इसे हम 8 घंटे के पास पास हम सोक करने के लिए रख देंगे। और सुबह देखिए साबुदाना कितना हमारा अच्छा हो गया है। इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का जो पोटैटो है वो बॉईल किया हुआ, उसे मैं इसमें ग्रेट कर लूँगी। और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जो पोटैटो है वो अच्छे से बॉईल हुआ होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बाइंडिंग जो है अपने नगेट्स की वो बहुत ही अच्छी आएगी। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पत्ती डाल देंगे चॉप की हुई, 3 हरी मिर्च डाल देंगे चॉप किया हुआ, और 1 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, और सेंधा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता चॉप किया हुआ। कड़ी पत्ता से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसमें ज़रूर डालें। और इसमें लेमन जूस डाल देंगे, और इसमें मैंने पीनट जो है वो भून के फिर इसे मिक्सर में मार के रख दिया था, उसे 2 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे। 2-3 चम्मच डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इस सब को हम मिला देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और हमने जो है जो साबुदाना डाला था वो बहुत मस्त खुला खुला था, और जो पोटैटो था वो बहुत ही अच्छा पका हुआ था, उसके कारण हमारी जो बाइंडिंग है देखिए कितनी सुपर हो रही है। अब हमें क्या करना है, इसे साइड में रख देना है और अपने हैंड वॉश कर ले और हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा ले या फिर पानी लगा ले और अच्छे से इसे बड़े बना ले। ये देखिए इस तरह से बड़े बना के रख दे, ताकि जब हम फ्राई करने जाएंगे तो हमें फटाफट हमें बड़े डालने की ही ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से बड़े बना ले, गोल शेप में आप या फिर कोई भी शेप आप इसमें दे सकते हैं। बढ़िया, ये बन के हमारे बड़े रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि मैंने क्या किया, इसमें ट्रायंगल शेप का नगेट्स बनाए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रायंगल शेप। अगर आप बनाते हैं तो फिर अगर आपको खाना है या फिर कोई भी अगर आपके घर में मेहमान आते हैं उनको भी देना है तो फिर प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये आप बना के ज़रूर देखें। अब ये हमारे बड़े रेडी हो गए हैं, तो अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। मैंने ऑयल गर्म करके रखा था, फ्लेम को हमेशा लो टू मीडियम रखें और इसे फ्लिप करते रहें। ये जो बड़े हैं ज़्यादा तेल भी नहीं सोखते हैं, और देखिए कोई भी बड़ा हमारा फटा भी नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो रहे हैं ऊपर से, क्योंकि हमने लो फ्लेम पे ही रखा है। एकदम हाई फ्लेम पे ही रखोगे तो फिर ऊपर से वो सिर्फ जल जाते हैं। हम सेकेंड बैच भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसमें। ये देखिए फ्लिप करते रहें, और ये बहुत बढ़िया हमारे जो नगेट्स हैं वो रेडी हो गए हैं। ये ऊपर से क्रिस्पी रहते हैं और अंदर से थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं। अब हम इसे सेम नगेट्स को हम तवे पर भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, इसे बस 10 से 12 मिनट लगते हैं और ऑयल भी कम लगता है। जिन्हें ऑयल डीप फ्राई नहीं पसंद है, ऑयल ज़्यादा नहीं पसंद है, वो इस तरह से शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और इसे फ्लिप करते रहें 3 से 4 बार, हर साइड से हमें फ्लिप करते रहना है, यानी एजिंग भी परफेक्ट हो जाती है। थोड़ा सा प्रेस करते रहें, यानी फिर वो हमारे नगेट्स रेडी हो जाते हैं। देखिए फ्लिप करते रहें, 3 से 4 बार फ्लिप करना है हर साइड से, और मीडियम आंच पे रखना है। और ये हमारे देखिए नगेट्स रेडी हो गए हैं, बड़े रेडी हो गए हैं। तो फिर इसे दही के साथ ज़रूर परोसे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए मैं एक तोड़ के बताती हूँ। तो फिर खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।